सीए फाउंडेशन नवंबर बैच नवंबर ही है ना नवंबर या दिसंबर नवंबर होता है या जो भी एग्ज़ाम उस डेट आएगी तो अभी ट्वेल्थ के एग्ज़ाम से फ्री हुए हो आप सब ट्वेल्थ फ्रेशर्स है ना ड्रॉपर वगैरह कोई नहीं पहली बार दो ही दोगे सीए फाउंडेशन फर्स्ट टाइम ही दोगे ठीक है ना? अच्छा एक चीज़ ये बताओ जो ट्वेल्थ पास करके आए हो नॉन मैथ्स वाले कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे नॉन मैथ्स ही नॉन मैथ्स भरा है चलो और अप्लाइड मैथ्स इनके पास थी वन टू थ्री कोर मैथ्स वाला तो कोई नहीं होगा अच्छा एक कोर मैथ्स वाला भी है प्योर मैथमेटिक्स वाला है ना ठीक है तो अप्लाइड क्यों नहीं ली हाँ सेंटेंसलम हाँ वहाँ नहीं है शायद इस साल शुरू हुई क्या कोर ही चल रहा है ठीक कोई इशू नहीं ये मजबूरी थी नहीं तो शायद अप्लाई ही लेता चलो ठीक है वॉट डू यू नो अबाउट दिस पेपर जो आप पढ़ोगे ना क्योंकि आप सब फ्रेशर्स हो तो जो पेपर आप पढ़ने वाले हो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का पेपर होगा ठीक है ना उसके साथ क्या क्या आता है और स्टेट्स और एल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे जस्ट मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको चीज़ें मालूम है क्या 100 क्वेश्चन होंगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है 40, 40 स्टेट्स 20 एल और 40 मैथमेटिक्स टोटल टाइम टू आवर्स 120 ट्वेंटी मिनट्स हंड्रेड क्वेश्चन थोड़ा सा अपन समझें कि पैटर्न क्या होता है कैसे हम चीजें पढ़ेंगे वो मालूम होना चाहिए इसका मतलब आज से कोई ऑब्जेक्टिव पेपर दिया कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव पूरा पूरा पेपर दिया क्या ऑब्जेक्टिव समझ गया जहाँ चार ऑप्शन आएंगे कोई आपने एनडीए का भरा हो या कोई दूसरा भरा हो या टेंथ के बाद कोई ऑब्जेक्टिव पेपर दिया दिया ओलंपियाड दिया था ऑब्जेक्टिव होता कहीं ना कहीं वो देखो जो चीज़ें हम करने वाले होंगे क्योंकि प्रॉब्लम क्या है 120 मिनट्स वो समझना थोड़ा पाँच से दस मिनट फिर अपन रेशो पे जाएंगे पढ़ना इज़ नॉट मुश्किल रेशियो पढ़ लेंगे समझ में भी आ जाएगा बट हमारी स्ट्रेटी क्या होगी आपको कैसे पढ़ना है क्योंकि ये पहली क्लास है तो कहीं ना कहीं मुझे मालूम होना चाहिए भाई जब कहीं आप अजमेर से जयपुर जाते हो कहीं पिकनिक पे जा रहे हो कहीं घूमने जा रहे हो तो क्या करते हो क्या करते हो पहले प्लानिंग करोगे ना यार वहां जाएंगे दो दिन वहां रुकेंगे दो दिन वहां रुकेंगे इस बस में जाना है वो होटल बुक कराया हमने ये करा तो ये क्या कर रहे हो ये आपका आप एक बस में बैठ गए एक सफ़र शुरू कर रहे हो तो सफ़र शुरू करो तो क्या होना चाहिए पता तो होना चाहिए कि प्लानिंग क्या है हमारी ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई सर ने रेशो पढ़ाया लॉग पढ़ाया एनडीसी पढ़ाया जा जा कर पढ़ लिया और सॉल्व कर लिया वो नहीं होना चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग कहीं ना कहीं हमारी होनी चाहिए प्लानिंग परफेक्ट होगी तो चीज़ें भी परफेक्ट चलेंगी पढ़ना इज़ नॉट मुश्किल सब समझ में आएगा जो पढ़ोगे तो पहली प्रॉब्लम जो आप फेस करोगे वो ये रहती है कि वन मिनट्स हंड्रेड क्वेश्चन जो आज तक आप पेपर देते आए हो वहाँ क्या होता था सी का दिया होगा या कोई आर का स्टूडेंट होगा तो क्या हो रहा था थ्री आवर का पेपर होता था ना और थ्री आवर में क्या करना होता था कितने क्वेश्चन होते थे थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना सब कुछ मिला के छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव सब मिला के क्या होता है थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी क्वेश्चन होंगे अब क्या हो गया केवल मैं आपको जिस आज तक पढ़ते आए हो और जो पढ़ने वाले होंगे उनमें डिफरेंस बताने की कोशिश करूंगा कि जो आज तक आपने पढ़ा है डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है मैथमेटिक्स भी पढ़ी डिस्क्रिप्टिव पढ़ी लंब लंबे लंबे मेथड करे उन चीज़ों से अब काम चलने वाला नहीं है क्योंकि पर क्वेश्चन आप मान के चलो यू हैव वन मिनट अप्रोक्सीमेटली क्योंकि कहीं ना कहीं वो गोले भी मार्क करने पड़ेंगे हंड्रेड क्वेश्चन होंगे तो ओ एम शीट होती है ना ओ की फुल फॉर्म पता है ओ शीट तो सुना है ओमार शीट होती है ना वो कंप्यूटर से चेक होती है गोले भरते हो वो ऑप्टिकल मार्क रीडर और चेक करना कहीं गूगल सर्च करना क्या होता है बाकी यही होता है तो कहीं ना कहीं हमारे को वो काम भी करना है तो जो आपका वे ऑफ टीचिंग होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे हमारी प्लानिंग क्या रहेगी हम पढ़ेंगे कैसे पढ़ सब लेंगे नो इशू क्योंकि आपके पास क्या है कितना महीना है छः महीना है ना ये मोटा मोटा मानो छः महीने रोज़ एक घंटा क्लास हुई तो नंबर ऑफ आवर्स भी हमारे पास बहुत सफिशियंट है ऐसा भी नहीं कि टाइम की शॉर्टेज है कि हमारा जून वाला टाइम थी तो भागना है वो चीज़ें भी हमें नहीं करनी है तो पर क्वेश्चन हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वन मिनट है ये डिफरेंस समझना जो आज तक आपने पढ़ा है और आप पढ़ोगे ठीक है तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ा होगा कुछ शॉर्टकट्स पता होने चाहिए हमें कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन आएंगे अभी मैं कुछ सैंपल दूंगा आपको ठीक है ना और समझना कि आपका वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन क्या रहेगा कैसे हमें सॉल्व करना है चार ऑप्शन आएंगे तो डेफिनेटली अगर मुझे कुछ ट्रिक्स मालूम है कि यार ए बी सी डी पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन कट गया ऑप्शन एलिमिनेशन पे फोकस करना है यहाँ पे यार ये एलिमिनेट हो गया ये एलिमिनेट हो गया तो ये फोर्थ ऑप्शन होगा तो कई बार बिना सॉल्व करे भी आप आंसर लगा सकते हो उससे क्या होगा टाइम बच गया ना अब अगर तुम वो हंड्रेड क्वेश्चन अपना जो सी वाला पैटर्न पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव तुम हिसाब लगा लो अगर वो हंड्रेड क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे उस पैटर्न पे बेस तो क्या होगा टाइम का हिसाब लगा लो इतना तो हिसाब लगा सकते हो ना कि वहाँ ये आया था क्वालिटी इक्वेशन आ गई फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स रियल हैं कि इमेजनरी हैं लंबे लंबे मेथड करे थे डिस्क्रिमिनेट निकाला था बीस कॉमन ए था ना टेंथ क्लास पास करोगे तो कहीं ना कहीं बीस माइन फोर ए सी पढ़ा फिर ये पढ़ा ऑप्शन नहीं होते थे वहाँ पूरा सॉल्व करना है तो जो हमारा वे ऑफ टीचिंग होगा वो क्या होगा हम कोशिश करेंगे शॉर्टकट्स को फॉलो करने की ट्रिक्स को फॉलो करने की ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तभी आप वो पेपर क्लियर कर पाओगे आप जो अपना रूटीन पढ़ रहे हो ना हो सकता है किसी के टेंथ क्लास में 98 मार्क्स आए हो मेरा समझना उस पॉइंट को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शी गॉट नाइन्टी मार्क्स इन टेंथ क्लास मैथमेटिक्स शी गॉट सिक्सटी मार्क्स मेरी बात को अदरवाइज मत लेना मुझे मार्क्स पता भी नहीं है बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल शी गॉट नाइन्टी एट मार्क्स शी गॉट सिक्सटी फाइव मार्क्स शी नो द शॉर्टकट्स हियर उसे क्या मालूम है वो शॉर्टकट्स पता है उसको और यार ये शॉर्टकट सीखा था ऐसा ऐसा होता है मैथ्स वाली के साथ क्या इश्यू है शॉर्टकट नहीं पता कौन जीता 65 मार्क्स वाली जीत गई ना बिकॉज शी नो द ट्रिक्स उसे पता था कैसे सॉल्व करना है तो आपको क्या होना चाहिए क्योंकि तो मैग्जिम बच्चा जो मैंने यहाँ पे चेक कराना वो क्या है नॉन मैथ्स वाला है और मैथ से डर लगता है क्या ईमानदारी से बताना हाँ या ना बोल दो कोई इश्यू नहीं है लगता है तो बोलो हाँ लगता है थोड़ा थोड़ा सबको लगता है मैं कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम कई बार कर देती है तो डर लगता है बट यहाँ बहुत डरने की जरूरत नहीं है समझे मेरी बात को डरना नहीं है आराम आराम से आपके पास सफिशेंट टाइम है ऑप्शनस होंगे बिना सॉल्व करे भी आंसर कई बार आ जाते हैं धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे तो जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं डरे नहीं एक डर होता है मैथ्स का फोबिया होता है नॉर्मली मैथ्स बहुत टफ होती है ठीक है ना एनी अदर क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहा हो किसी चीज को लेके पूछना चाहो तो क्या हमारे मन में ऐसा चल रहा है क्या होगा कैसे चलेंगे या जो भी कोई क्वेश्चन और है ऐसा कुछ नहीं ठीक <coughs> तो मेनली फोकस हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो मेरा एम था ये सब चीज़ें बताने का कि हम ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे शॉर्टकट्स को फॉलो करेंगे ट्रिक्स को फॉलो करेंगे लंबे लंबे मेथड हम अवॉइड करेंगे समझ गए मेरी बात को वही चीज़ें काम आएंगी क्योंकि नॉर्मली वॉट हैपन्स जो तुम्हारे सीनियर ने या किसी ने सी फाउंडेशन का दिया होगा तो नॉर्मली जो इश्यू आता है वो क्या होता है जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करके आते हो ना तो इश्यूज क्या आते हैं इश्यूज़ ये आते हैं अरे यार आता तो सब था होता है ऐसा यार आता तो सब था पर क्या था टाइम यार कम था कर तो मैं सब देता वो सौ में से सौ क्वेश्चन आ रहे थे बट टाइम ही नहीं मिला बस ये इश्यू रहता है तो अपने को क्या करना है टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू सॉल्व हंड्रेड क्वेश्चन दूसरी बात मैथमेटिक्स के फोर्टी है बहुत शॉर्ट में मैं फिर बता दूँ फिर अपन थोड़ा दो चार सैंपल रेशो पढ़ने की कोशिश करेंगे मैथ्स का फोर्टी क्वेश्चन है एल आर ट्वेंटी क्वेश्चनस हैं स्टेट्स फोर्टी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं जितना मुझे आइडिया है स्टेट्स थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है कंपेरेटिवली टू मैथमेटिक्स बिकॉज इट मे रिक्वायर सम लेंथी कैलकुलेशन मे बी एल आर टाइम कम लेगी तो आपको टाइम कहाँ बचाने की कोशिश करनी है आप जितना मैथ्स में टाइम कम कर सकते हो अपना टाइम उतना टाइम आप क्या करोगे स्टेट्स या उसको दे पाओगे एल शायद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले बट स्टेट शायद कहीं ना कहीं टाइम लेगी तो हमें कोशिश करना है कि हम उस टाइम को सेव करें और ये गारंटी है हंड्रेड परसेंट लिख के ले सकते हो रिकॉर्ड कर सकते हो उस चीज़ को कि फोर्टी क्वेश्चन जो हैं मैं क्यों गारंटी ले रहा हूँ क्योंकि आई नो द शॉर्टकट्स आई नो द ट्रिक्स अगर आप मेरे साथ चलोगे पक्का पक्का लिख के ले लो आज की तारीख़ में कि मैथ्स के फोर्टी में से थर्टी फाइव क्वेश्चन से ज़्यादा आप सही करोगे ये हंड्रेड परसेंट है लिख लो मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो मोबाइल हो तो सर ने ऐसा बोला था ये पक्का है बट टर्म्स और कंडीशन क्या है अब ऐसा भी नहीं कि साहब सर ने बोल दिया तो चलो किताब बंद करके बैठ जाए गारंटी तो ले ही ली थर्टी फाइव होगा पढ़ना पड़ेगा एंड यू हैव सफिशेंट टाइम पढ़ोगे चार की आवाज़ आई पढ़ने की तो पढ़ना है साथ के साथ चलना है जो क्लास में हो रहा है वो चलना है आप कहोगे सर वो रेशियो थोड़ा सा कम समझ में आया आज कल वापस पढ़ लेंगे बिकॉज वी हैव सफिशियंट टाइम टाइम इज नॉट ए इश्यू विथ यू समझ गए बात को तीन चार पाँच महीने में आराम आराम से कोर्स पूरा होता है बहुत तसली से पूरा होता है आराम से हम उन चीज़ों को कर सकते हैं फिर भी हमें लगा कि यार मैंने कुछ पढ़ाया क्योंकि क्लास में कई में भी पहली क्लास इतनी चीज़ें हम बात कर रहे हैं कई बार होता है तुम पच्चीस बच्चे बैठो चालीस बच्चे बैठो चालीस में से चार को नॉर्मली मैथ्स वीक होती है कई बार कम समझ में आता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है बताओ क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं उसका हाँ एक्स्ट्रा क्लास तो लो वो भी हो गई फिर भी नहीं समझ में आया तो क्या करें हाँ प्रैक्टिस करेंगे मैं अपनी तरफ से ये कर सकता हूं कि भाई नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हो आफ्टर द क्लास बिफोर द क्लास आप वन टू वन मुझसे टाइम ले लो कि सर वो रेशियो थोड़ा सा ये वाला पॉइंट थोड़ा कम समझ में आया आप बता दो कभी मना नहीं करूंगा पूछना आपको है पूछोगे तो मैं हंड्रेड परसेंट आपको भले मुझे आधा घंटा क्लास के बाद रुकना पड़े मैं आधा घंटा क्लास के बाद रुक जाऊंगा या आप टाइम ले लो कि सर वो संडे को हम पांच बच्चों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कॉमन हम पूछना चाहते हैं तो मैं आ जाऊँ क्या पहले टाइम ले लो मैं कह दूँगा हाँ साहब इस टाइम पर आप आ जाओ या आपकी क्लास होती है उसके आगे पीछे हम मिल लिए बात समझ में आई तो वो काम हम डेफिनेटली कर सकते हैं समझ में आया और कुछ क्वेश्चन सिलेबस कुछ पता है बुक्स हैं आपके पास बुक्स अभी नहीं होगी ना कोई इश्यू नहीं है ना बुक्स इज़ नॉट ए प्रॉब्लम हम रेशो से शुरू करेंगे ठीक है अभी मैं किसी शॉर्टकट पे नहीं जा रहा हमें भागना नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टकट सिखाने की इनिशियली कोशिश करूँ हम थ्योरी पे काम करेंगे उस थ्योरी से चीज़ों को समझने की कोशिश करना रेशो कब पढ़ा था लास्ट टाइम कभी पढ़ा है रेशो बताओ बताओ पढ़ा है तो बताओ कौन सी क्लास में था पक्का सोच के बतला रेशो भी पढ़ा है आज तक तो कौन सी क्लास में था सब ट्वेल्थ क्लास पास करके हो ना कंफर्म है ना सी ए फाउंडेशन दे रो, पास करके हो केवल आई एम आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन रेशो कौन सी क्लास में पढ़ा था बस उस उससे मत पूछ तूने पर पढ़ा था वो क्या बताएगी <laughs> बोलो जल्दी बोलो पहला सिंपल सा क्वेश्चन ट्वेल्थ अकाउंट्स में पढ़ा था जो नॉन मैथ्स वाले हैं मतलब अकाउंट्स में था रेशो कहाँ काम आ रहा था कहीं पार्टनरशिप वगैरह में कहीं काम आ रहा हो अकाउंटिंग में काम आ रहा था ठीक बात है और उससे पहले नाइन्थ में रेशो था क्या था कंफर्म बताओ था देखना घर जाके नाइन्थ की बुक था या नहीं था ढूंढना चलो हम शुरू करें ठीक ना हम रेशो से शुरू करेंगे समझने की कोशिश करें फर्स्ट क्वेश्चन है ना बहुत सीधा सा क्वेश्चन कोशिश करना अगर आंसर दे पाओ द मोर यू विल डिस्कस द मोर यू विल लर्न कहीं भी डाउट हो ईमानदारी से मुझे बोल देना कि सर समझ में नहीं आया बोलना आपको है नहीं आएगा हम चार बार पढ़ेंगे क्यों पढ़ेंगे क्योंकि हमें आराम आराम से चीजें करनी है भागना नहीं है आराम से करना है क्यों नवंबर दिसंबर में देना है जो मई वाला बैच चल रहा है ठीक है उनको थोड़ा फास्ट भागना पड़ेगा जो एक मई वाला बैच और चल रहा है वो थोड़ा फास्ट जाएगा हम आराम से नवंबर दिसंबर देंगे तो वी हैव सफिशिएंट टाइम तो घबराना नहीं है टेंशन नहीं लेनी है मैथ्स मेरी आज तक वीक भी थी तो ये गारंटी है हंड्रेड परसेंट आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी आज के बाद बट इट विल टेक टाइम पाँच दिन लगेंगे सात दिन लगेंगे दस दिन लगेंगे और जो आपका सी ए फाउंडेशन का सिलेबस है मैं एक चीज़ और बोल दूँ तो, फिर रेशो शुरू करें बहुत ज़्यादा मैथेमेटिक्स का सिलेबस बहुत हायर लेवल पर नहीं है बहुत हायर समझ गए ऐसा नहीं कि बहुत हायर लेवल पर वो ले जाके बहुत टफ वाला बनाया है सिंपल है मेहनत करोगे हंड्रेड परसेंट लिख के ले लो मैं फिर बोल रहा हूँ फोर्टी में से थर्टी फाइव थर्टी सिक्स मार्क्स कहीं नहीं गए गारंटी है इस चीज़ की ये आज और दो महीने बाद जब आप कोई टेस्ट दोगे तो आप ख़ुद चेक कर लेना कि सर जो आपने बोला था वो सही बोला था हंड्रेड पर श्योर बट टर्म्स कंडीशन क्या है समझ में नहीं आया पूछोगे सर हमें समझ में नहीं, नहीं आया क्या शॉर्टकट था क्या ट्रिक थी वो आपको पूछना पड़ेगा तो हंड्रेड परसेंट होगा ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बनाए सिक्स हंड्रेड रुपीज और इसको ए और बी में टू इस टू थ्री के रेशियो में डिवाइड करना है बहुत सीधा सा क्वेश्चन चेक हो जाएगा मुझे कि आपको रेशियो आता है नहीं आता बेसिक बताओ जल्दी क्या आंसर होगा कितना 240 और वेरी गुड ये बेसिक रेशो हमें आता है वॉट इज अंग ऑफ रेशो इफ ए और बी में हमने कुछ रुपया कुछ मनी डिवाइड करा है इन द रेशो टू इज टू थ्री इट मीन इफ ए इज गेटिंग टू रुपीज देन बी इज गेटिंग थ्री रुपीज इतना समझ में आता है तो इसके पास टू पेन है इसके पास थ्री पेन है तो इनका रेशियो क्या हो गया पेन का टू इज टू थ्री तो ये बहुत अच्छी बात करी आपने गुड वेरी गुड कि मैंने पहला क्वेश्चन पूछा सिक्स हंड्रेड और आपने टू इज थ्री में इजीली डिवाइड कर दिया क्या मेथड फॉलो करा था बताओगे टू अपॉन इंटू सिक्स हंड्रेड और सेकेंड थ्री अपॉन फाइव इंटू अच्छा एक चीज और बताओ है ना मैंने टू अपॉन फाइव इंटू सिक्स हंड्रेड कर लिया ठीक है टू फोर्टी आ गया हमने क्या करा हमने जब ए का शेयर निकाला तो जैसा आप कह रहे हो कि हमने टू अपॉइंट फाइव इंटू सिक्स हंड्रेड कर लिया जो आपने बोला वही लिखा मैंने कितना आ गया टू फोर्टी आ गया बात समझ में आई क्या इसके बाद मुझे थ्री अपॉइंट फाइव इंटू सिक्स हंड्रेड करने की जरूरत है क्या नहीं है क्यों नहीं है माइनस भी कर सकते हैं तो केवल हम ये चीज सीख रहे हैं अभी कि हम थ्री अपॉन फाइव इंटू सिक्स हंड्रेड कर सकते हैं लेकिन एक सेकंड मेथड और क्या समझ में आया कि भाई जब एक रुपया आ गया तो टोटल कितना है 600। तो 600 में से हम क्या करेंगे माइनस कर दिया समझ में आता है तो हमारे पास उसका रुपया आ गया इज देयर एनी अदर मैथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एनी अदर मैथड ये ठीक बोला आपने कोई गलत नहीं बोला केवल मैं ये चाह रहा हूं कि देर एनी अदर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस ये परफेक्ट है ऑल्टरनेट मेथड मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा है ना नहीं कर रहा सब छोड़ा मैंने इसको भी कोई ऑल्टरनेट मेथड क्योंकि मुझे वो मेथड भी आना चाहिए इन फर्दर क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तो हाँ बोलो देखो उसने एटलीस्ट इसने कुछ सोचा व्हाट शी थिंग्स जो भी सोचा गलत सोचा सही सोचा हम उस पर नहीं जा रहे वो इश्यू नहीं है बट एटलीस्ट उसने बोला बोलो गलत ही बोलो लेकिन बोलो गलती से सीखोगे घबराओ मत घबराना नहीं है उसने बोला जो बोला अच्छा है बोला उसने ठीक है ना जो गलती करता है वो ज़्यादा अच्छा है बजाय जो गलती नहीं करे उससे उसने तो कोशिश ही नहीं करी ना एटलीस्ट ट्राइड वाट शी सेस कि पहले 500 को डिवाइड कर दो टू इज टू थ्री में 200 सौ तीन हो गया सुनना मेरी बात है ना ठीक बोला उसने अपनी तरफ बिल्कुल सही सोचा कि क्या करा 500 को 200 और 300 कर दे बाकी हंड्रेड रुपीज़ फोर्टी और 60 हो ही गया तो ठीक है लेकिन इश्यू क्या होता या 600 हंड्रेड नहीं होता सिक्स हंड्रेड फोर्टी होता सिक्स एट्टी होता तो कहीं ना कहीं हम बार बार ये चीज़ें नहीं कर सकते एक ऑल्टरनेट जरूर आ गया बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एवरी क्वेश्चन मेरी बात समझ में आई वो एडजस्टमेंट था सोचा उसने गुड थिंग एटलीस्ट यू थिंक एक ऑल्टरनेट वे सोचा और कोई ऑल्टरनेट हां बोलो हाँ, क्या बात बोलिए वो भी ठीक बोला वो क्या कह रहा है सुनो कोई बात नहीं हम सीख रहे हैं कोई बात नहीं हम सही बोले गलत बोले बट वी आर लर्निंग शी सेस सिक्स हंड्रेड को फाइव से डिवाइड कर दो इंटू टू कर दो लेकिन कहीं ना कहीं बाद में क्या समझ में आया हुआ तो यही ना बच्चा भाई करा तो यही ना टू अपॉइंट फाइव इंटू सिक्स हंड्रेड ही हुआ भाई इसका क्या हुआ ये कहता भाई फोर इंटू सिक्स अपॉइट टू किसी ने टू से इसको काट दिया दूसरा बच्चा क्या कहता नहीं मैं तो इसको नहीं काटूंगा मैं इसको काटूंगा पर बात तो बराबर ही हुई ना मेरी बात समझे एटलीस्ट हमने सोचा गुड सोचना है आधा मिनट तो और सोचो डस्टर है क्या इधर कहीं? डस्टर 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 अच्छा ये रहा ठीक है ठीक हाँ नहीं चलो हमें अल्टरनेट मालूम होने चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके हमें वो अल्टरनेट मेथड भी फॉलो करना पड़ेगा क्या हम ऐसा कर सकते हैं हाँ या ना में जवाब देना ये टू और ये थ्री है तो एक का रुपया टू एक्स मान लें और बी का कितना मान लें थ्री एक्स मान लें कोई इश्यू तो नहीं है भाई ये रेशो में नॉर्मली क्या होता है टू इज टू का रेशियो है ए को टू मान लिया बी को थ्री मान लो है ना ऑल्टरनेट बता रहा हूँ मैं वो मैथड ठीक था बट ये ऑल्टरनेट भी हमें मालूम होना चाहिए तो हमने क्या करा a इज इक्वल टू टू माना b इज इक्वल टू क्या माना 3x अब क्या करोगे ऐड कर लोगे कितना आया ऐड करने पे 5x आया वेरी गुड तो ए प्लस बी कितना हो गया फाइव एक्स कितना दे रखा है फाइव एक्स सिक्स हंड्रेड दे रखा है तो एक्स कितना हो गया सिक्स हंड्रेड अपॉन फाइव एक्स हो गया वन ट्वेंटी बात समझ में आती है अब ए का रुपया कितना है टू एक्स तो एक्स की वैल्यू वन ट्वेंटी यहाँ रख लोगे ना और थ्री एक्स यहाँ रख लोगे तो अगर ये वन ट्वेंटी में यहाँ रखूँ तो कितना हो गया ए ए हो गया हमारा टू इंटू वन टवेंटी टू फोर्टी और बी थ्री एक्स रखोगे तो कितना हो गया थ्री इंटू थ्री सिक्स ऑल्टरनेट पता होना चाहिए कि ये मेथड भी होता है एक एग्जांपल अगर हम और लें जैसे वापस हमने सपोज वन थाउजेंड रुपीज ले लिया और हमने ये माना कि वी हैव थ्री पर्सन ए बी सी और रेशियो हमें दे दिया गया टू थ्री फाइव फिर पॉइंट समझने की कोशिश करना वॉट वी आर डूइंग थाउजेंड रुपीस रेशियो ऑफ ए बी सी वो तीन कोई भी नाम दे देगा वॉट इज द क्वेश्चन वन थाउजेंड रुपीस इज डिडेड अमंग थ्री गर्ल्स अनिता भावना एंड चंचल इन द रेशो टू थ्री फाइव वॉट एज या वॉट आर देयर इंडिविजुअल शेयर समझे मेरी बात को क्या करोगे पहला मैथड बोलो जल्दी ए कैसे निकालोगे टू अपॉन टेन तो पहला मेथड क्या हुआ ए हो गया हमारा टू अपॉन टेन इन टेन समझ में आया ना? नहीं? नहीं आया तो पूछ लेना पहली क्लास है हमारी एक दो क्लासेस लगेगी ट्यूनिंग में बैठने में तो मुझे समझ जाओगे और मैं तुम्हें समझ जाऊंगा फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो अभी पहली दो चार क्लास में हो सकता है कि इनिशियल प्रॉब्लम आए पर पूछा करो टू अपॉन टेन समझ में आता है बी कितना होगा थ्री अपॉन टेन इंटू वन थाउजेंड और सी कितना होगा फाइव अपॉन टेन इंटू वन थाउजेंड ये समझ में आती है बात मैं ऑल्टरनेट क्यों सिखा रहा हूं वो आप समझ में आएगा कि अपने को एक्स वाला मेथड क्यों मालूम होना चाहिए वो बात समझ में आएगी आप क्योंकि अपन ऑल्टरनेट क्यों चाह रहे हैं सेकेंड मेथड क्या होता टू एक्स ए कितना मानोगे टू एक्स थ्री एक्स और फाइव एक्स ये समझ में आया क्या कभी भी रेशियो दे रखा हो तो आप उसको 2x 3x और 5x मान सकते हो वापस क्या करोगे 2x plus 3x plus 5x चलो हम लिखें एक बार ए कितना हो गया 2x बी कितना हो गया 3x सी कितना हो गया टोटल ₹1000 थे ना तो टोटल अगर हमारा 1000 था तो टोटल अमाउंट कितना हो गया इनका A ए बी सी 1000 ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया टेन एक्स वेरी गुड तो एक्स हो गया हमारा हंड्रेड हंड्रेड यहाँ रखोगे यहाँ रखोगे यहाँ रखोगे तो ए बी सी आ जाएगा इतना काम कर सकते हो तो ए कितना हो गया ए हो गया टू हंड्रेड बी कितना हो गया थ्री हंड्रेड सी कितना हो गया फाइव हंड्रेड ये समझ में आती है बात ये हमारा इंडिविजुअल अमाउंट टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड और फाइव हंड्रेड आ गया ये मेथड परफेक्ट है बट वी शुड नो दिस ऑल्टरनेट मेथड ऑल्सो ये भी काम आता है बात समझे अब यह कहां काम आएगा जैसे यह इस क्वेश्चन में क्या कहता कि वन थाउजेंड रुपीज हमने डिवाइड करा ए बी सी में इस रेशो में सेम रेशियो ले रहे हैं टू थ्री फाइव ठीक है और क्वेश्चन ये पूछा जाता कि डिफरेंस ऑफ ए एंड सी अमाउंट क्या पूछता ए और सी के बीच के अमाउंट का डिफरेंस बताओ ये मेथड भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं अब पॉइंट सीखने की कोशिश करना जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत आराम आराम से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन इसने पूछा कि वन थाउजेंड रुपीज डिवाइड करना है और क्या पूछ रहा है कि ए और सी के अमाउंट में डिफरेंस क्या मेथड फॉलो करोगे जल्दी बताओ बोलो जल्दी नहीं पहला दूसरा अच्छा पहला मेथड फॉलो करोगे तो क्या करोगे हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो क्या यही अप्रोच रहेगी या अप्रोच चेंज होगी आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि आप ए का अमाउंट निकाल लोगे सी का निकाल लोगे बी का निकाल लोगे फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जो सीधा सीधा लिखा है बोलो हाँ बोल वेरी गुड देखो एक चीज क्या कह रहा है ये हम समझ रहे हैं ना एक चीज इसने ये कही समझना उस पॉइंट को हम बहुत आराम आराम से पढ़ रहे हैं मैं फिर रिपीट कर रहा हूं थाउजेंड रुपीज है और मैंने क्वेश्चन अभी पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी के अमाउंट में डिफरेंस क्या होगा आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन समझना वो लॉजिक तो उस बंदे ने क्या कहा वो ये कहता है कि साहब ए बी सी तो आप क्या करो बी का तो निकालो ही मत आप क्या करो आप तो ए का निकाल लो और सी का निकाल लो ठीक बात है ए का भी निकाल लो और और फिर क्या करोगे माइनस कर दो भाई ए को कितना मिला सी को कितना मिला दोनों का अमाउंट डिफरेंस आ गया ना ये समझ में आया लेकिन समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है इज देयर एनी अदर शॉर्टकट और एनी अदर ऑल्टरनेट यहां पे सॉल्व करना मैटर नहीं करता मैं फिर बता दू आपका जो पर्पज है वो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना आप खुश नहीं हो सकते कि मैंने सॉल्व कर दिया मैंने सॉल्व कैसे किया दैट इज इंपॉर्टेंट घर पे बैठ के तुमने दो घंटे में चालीस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बहुत अच्छी बात है लेकिन हम खुश नहीं हो सकते कि यार मुझे टू आवर में फोर्टी क्वेश्चन आ गए फिफ्टी क्वेश्चन आ गए मुझे वहां कितने करने हैं? हंड्रेड करने हैं सॉल्व करना, है? करना है। सफिशियंट नहीं है सॉल्व मैंने कैसे किया अच्छा चलो अब बताओ हाँ बोल वेरी गुड हाँ बोल वेरी गुड हाँ, हम जो सीखना चाह रहे हैं ना देखो अब अच्छी बात है आप उस पॉइंट पे पहुंचे जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था उसने बिल्कुल ठीक बोला उसने क्या बोला ए और का निकाल लो दोनों को माइनस कर दो लेकिन हमने इस मेथड को इंप्रूव कैसे किया इंडिजुअल अमाउंट निकालने की जरूरत सीख लेना वो पॉइंट जो सीखना चाह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं ए और सी का डिफरेंस कितना आ रहा है थ्री आ रहा है ना पहले अगर पहली वाली अप्रोच लगाओगे तो क्या करोगे आप ए और सी का डिफरेंस कितना आया थ्री तो क्या करोगे थ्री अपॉन टेन इंटू कर लोगे क्या मेरी बात समझ में आई आया समझ में पीछे तो क्या करेंगे ए और सी का सिंपल डिफरेंस निकाल लो ए और सी को निकालने की जरूरत नहीं है थोड़ा टाइम बचेगा ना दूसरा अगर यहां करते तो क्या करते 2x 3x और 5x हम पूरा पूरा x निकालने की शायद जरूरत नहीं होती क्या करोगे यहां पे 5x एक्स माइनस टू कर लोगे तो 3x आ जाएगा फिर शायद भले आप x निकाल के सॉल्व कर लो वो इश्यू नहीं है लेकिन क्या करेंगे केवल पॉइंट ये सीखना है कि आपको जब ए और सी का डिफरेंस पूछा जाए तो आपको इंडिविजुअल ए की वैल्यू और सी की वैल्यू नहीं निकालनी है उससे आप बच सकते हो मेरी बात समझ में आई है डाउट है कुछ तो हमने सीखा क्या इतनी देर में हमने अभी यह सीखा कि एक ऑल्टरनेट मेथड और सीख लिया कि हम एक्स मान के भी चीजें कर सकते हैं बात समझ में आई कुछ लिखना चाहो तो लिख लो इसमें से लिखना है क्या कुछ नोट करना है कर लो कोई ऐसा नहीं है, आप नोट करना चाहो आराम से नोट कर लो लिख लो चाहो तो कोई इशू नहीं क्योंकि ये चीजें आपको संभाल के रखनी है आज समझ में आ गया लेकिन दो महीने बाद भूल गए तो वापस पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा क्या था तो वो याद रहे शॉर्ट में ही लिख लो बट लिख लो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या था सिक्स हंड्रेड रुपीज डिवाइड करना बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो टू दिस इज योर फर्स्ट मैथड शायद हमने हटा दिया ना टू अपॉइंट फाइव वाला जो बोला था और सेकंड हो गया एक्स मान के सेकंड क्वेश्चन थाउजेंड रुपीस इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो टू थ्री फाइव फर्स्ट मेथड टू अपॉइंट इन टू थाउजेंड एंड ऑन सेकंड मेथड एक्स मान के करा फिर क्वेश्चन क्या बनाया था ये तीसरा क्वेश्चन थाउजेंड रुपीस डिफरेंस ऑफ ए एंड सी के अमाउंट का डिफरेंस पूछा है बस तो उसमें हम क्या करेंगे जब डिफरेंस पूछ रहा है तो ये टू है ये थ्री है ये फाइव है ये फाइव है ये टू है तो ये डिफरेंस कितना हो गया ए और सी का इंडिविजुअल अमाउंट नहीं निकालना है बस ये सीखना है तो जो डिफरेंस आया वो थ्री आ गया टोटल सम हमारा टेन हो गया तो थ्री अपॉन टेन इंटू वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड रुपीज हमारा आंसर हो गया ये सीखना था बात समझ में आई कुछ रेशो आता है तो लिख लो तो थोड़ा सा इसकी हेल्प कर देना है कोशिश करो टाइम पे आ जाए है ना क्योंकि शायद हम आधा घंटा लेट है जैनो नहीं नहीं, नहीं।, नहीं मैंने कहा जैन के आज कोई वर वो निकल रही थी ना तो शायद जुलूस जुलूस में गए हों माह अच्छा है क्या इसलिए चलो कोई इशू नहीं है ना हो गया हटाएं इसको पक्का चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन देखें ए और बी टू इस टू थ्री बी एस टू सी फोर इस टू फाइव एंड डी एस टू सी एट इस टू सेवन एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन समझना ये रेशियो दे दिया इसने ए और बी का दे दिया बी और सी का दे दिया और डी और सी का रेशो एट इस टू सेवन कह दिया और मान लो दो लाख रुपए दे दिए कितना दे दिया अमाउंट दो लाख रुपए दे दिए ए और बी का रेशियो है बी और सी का है सी और डी का नहीं देखे इसने क्या करा डी और सी का दे दिया और कितना रुपया कह दिया टू लाख रुपीज डिवाइड अमंग ए बी सी डी एंड गेट मैक्सिमम अमाउंट क्वेश्चन क्या पूछा मैक्सिमम अमाउंट किसको मिलेगा कितना रुपया था दो लाख रुपये हो गए हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताओ मैक्सिमम अमाउंट किसको मिलेगा सोचो कैलकुलेशन मत करना कैलकुलेशन नहीं करनी है है ना केवल मुझे अप्रोच बताना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसको सबसे ज़्यादा रुपया मिलेगा डी को मिलेगा एनी अदर आंसर सी को मिलेगा सी को डी को डी एनी अदर आंसर देखो ए और बी का रेशियो टू और थ्री दे रखा है जो चीज मैं पूछूं उसका जवाब देना तो ए और बी में से किसको ज्यादा मिलेगा अच्छा सा क्वेश्चन सीखना देखो है ना ये वाला ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा लोग घूम जाते हैं इसमें वो क्या सोचते हैं नॉर्मल बच्चा क्या करेगा वो ये करेगा नॉर्मल बच्चों से मतलब अभी मेरी क्लास उधर थी सी ए फाउंडेशन मे वाला बैच सेम क्वेश्चन मैंने दिया था उधर वॉट दे डू दे फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी डी तुम भी सीखोगे बाद में कि ए और बी दे रखा है बी और सी दे रखा है सी और डी दे रखा है तो क्या करता है नॉर्मल स्टूडेंट वो पूरा ए बी सी डी का रेशो निकालता है सीखेंगे बाद में अभी आप यार ए और बी दे रखा हो बी और सी दे रखा हो सी और डी दे रखा हो हाउ टू फाइंड द रेशो ए बी सी डी वो एक नॉर्मल अप्रोच होती है बात समझे उसके बाद वो रेशो आ जाता है उसके बाद वो ढूंढने की कोशिश करता है कि यार किसको मैक्सिमम मिला अब मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पूछूंगा ए और बी में से किसको ज़्यादा मिला बी को मिला पक्की बात बी और सी में से किसको ज्यादा मिला सी को जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए पहले यहां तक के बाद समझा दूं ए और बी में टू इज टू थ्री में डिवाइड हुआ ना तो डेफिनेटली बी को ज्यादा मिलेगा यहाँ पे ये तो समझ में आता है इफ ए इज गेटिंग टू रुपीज वॉट इज द मीनिंग ऑफ रेशो इफ ए इज गेटिंग टू रूपीज देन बी गेट्स थ्री रूपीज ए के पास अगर दो पेन है तो बी के पास तीन पेन है ये समझ में आती है इतनी बार ये समझ में आई पहली लाइन कि ए और बी में से किसे ज्यादा मिलेगा बी को मिलेगा ध्यान रखना ये ए है ये बी है ये सी है और ये डी है आप चेक करते जाना किसको ज्यादा मिला ए और बी में से किसको ज़्यादा मिला बी को बी और सी का रेशियो क्या दे रखा है फोर इज टू फाइव किसको ज्यादा मिला सी को ये सी है इसके पास तुमसे ज्यादा रुपया है ध्यान रखना अभी ये सी है और ये डी है डी और सी का रेशियो क्या दे रखा है एट एस टू सेवन तो सी और डी में से किसको ज्यादा मिला डी को मिलाना और सिंपल सी बात समझना बी के पास ए से ज्यादा पैसा है सी के पास डी से ज्यादा है डी के पास सी से ज्यादा है तो किसके पास सबसे ज्यादा डी के पास ही हुआ ना बात समझ में आई डी के पास मैक्सिमम अमाउंट हो गया यू हैव नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है वॉट एवर इज द अमाउंट नॉर्मल मेथड क्या होता है कि टू लाख रुपीस आप कोशिश करते हो ए बी सी डी में डिवाइड करें पहले ए बी सी डी का रेशियो निकालें हम भी सीखेंगे आउट टू फाइंड द रेशियो ए बी सी डी बट अभी नहीं करना एक सिंपल लॉजिक क्या लगाया समझ में आ गई बात ए के पास बी सी डी डी के पास सी से ज्यादा सी के पास बी से और बी के पास ए से ज्यादा तो सबसे ज्यादा किसके पास हो गया डी के पास हो गया अच्छा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ए बी और सी का रेशो वन बाई टू वन बाई थ्री और वन बाई फोर दे दिया गया दिस इज द रेशो ऑफ ए बी सी और वापस वो ये कहता है कि आप सिक्स फिफ्टी रुपीज डिवाइड करो इन द रेशो ए बी सी रेशो समझ में आया अब उसने क्या होशियारी करी क्या करा रेशो फ्रैक्शन में दे दिया वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री और वन अपॉन फोर दे दिया अगर ये रेशियो टू थ्री फोर होता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती पक्का पक्का पहले जैसे सॉल्व करा था हम सॉल्व कर लेते अब सिक्स हंड्रेड रुपीज को वन बाई टू इस टू वन बाई थ्री इस टू वन बाई, बाई फोर के रेशियो में डिवाइड करना है वट कुड बी डन एल्शियम ले लिया फिर अच्छा एक बार रेशियो सिंप्लीफाई करना जो चीज़ आप कह रहे हो हाँ बोलो बेटा तो हाँ बोलो 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 हाँ हाँ सही कह रहा है नॉर्मल फिर कैसे निकाले हाँ देखो सुनो 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 हम सीख रहे हैं कोई बात नहीं ये भी सीखने आया ना ये कह रहा है क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये रेशियो टू थ्री फोर हो गया यही कह रहा हो ना हाँ या ना में जवाब देना ये बच्चा ये सुनो देखो सीखो हम सीखना है आराम आराम से करेंगे कोई जल्दी नहीं है चार ही क्वेश्चन करके जाना लेकिन चार क्वेश्चन ऐसे पक्के करना कि उनमें से कोई भी दो क्वेश्चन आ जाए तो हंड्रेड परसेंट राइट हो भागना ही नहीं हमें आराम आराम से चलना है कछुए की चाल जीतता कौन है कछुआ है ना धीरे धीरे आराम से चलता है खरगोश हो गया था हम कछुए की चाल से चलेंगे तो टू थ्री फोर क्या वो ठीक कहता है क्या वो ये कह रहा है उसका कहने का मतलब ये है कि सर जो आपने ये 1/2 1/3 1/4 लिखा ना ये रेशियो 2 3 4 हो गया वेदर ही इज राइट और रॉन्ग रॉन्ग कौन-कौन उसके फेवर में है कोई इस फेवर में 2 3 4 नहीं चलो अभी इसको हम पेंडिंग करके छोड़ दें कि 2 3 4 आ रहा है अच्छा ये गलत है माना मान लिया है ना तो सही आंसर क्या हुआ सिक्स फोर वेरी गुड है ना तो अब ये बात सीखना बच्चा क्या कि अगर कभी भी रेशो वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर दे रखा हो तो हम ऐसे वन वन उड़ा नहीं सकते हम ऐसे काट नहीं सकते कि वन से वन गया और वन को हमने एलिमिनेट ही कर दिया वो नहीं होगा क्या होगा अब सीखे सिक्स फोर थ्री जिन्होंने बोला हंड्रेड परसेंट वो सही थे तो अभी तो शुरू में आपने लाइन बोली वो क्या बोली कहीं एल्शियम बोला था तो एल्शियम कितना हो गया टू थ्री फोर का ट्वेल्व हो गया तो वॉट मेथड वी कैन फॉलो हम क्या कर सकते एक प्रॉपर्टी और होती है रेशो की अगर ये रेशो कहीं पे हमें थ्री इस टू फोर दे रखा है तो किसी भी रेशो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो सीख लेना वो इफ यू मल्टीप्लाई ए रेशो बाई एनी नंबर रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता ये टू इस टू थ्री है ना या थ्री इज फोर है इसको मैंने टेन से इंटू कर दिया तो कितना हो गया थर्टी और फोर्टी जीरो से जीरो वापस कट जाएगा ना कोई कहेगा नहीं मैं तो टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो टू से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया सुनना बात को तो हम क्या चाहेंगे हमारे लिए फ्रैक्शन प्रॉब्लम कर रहे हैं ना हम एक ऐसा नंबर ढूंढना चाहते हैं जो टू थ्री और फोर तीनों से डिवाइड हो जाए ये सीखना समझ में आई बात तो टू थ्री फोर से कौन डिवाइड हो जाता है सिक्स हो जाता है हाँ कोई बात नहीं छ करेगी तो फिर डेसिमल में आएगा फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम इसको टेन से इंटू नहीं कर रहे वाई क्योंकि तो से करोगे तो तो अपॉन अपॉन फ्रैक्शन में आ जाएगा तो जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है तो वी मल्टीप्लाई दिस रेशियो बाई ट से इंटू कर दिया कोई पूछे ट्वेल्व कहां से आया तो ट्वेल्व इज द एल्शियम ऑफ टू थ्री फोर और एल्शियम समझ में नहीं आता अब हमें बच्चों वाला काम भी नहीं करना है क्या कि यार वो एल्शियम निकाल रहे हैं टू थ्री फोर टू वन जो टू फिर ऐसे ट्वेल्व आ रहा है ऐसा काम नहीं करना है इतना टाइम नहीं है ऑब्जेक्टिव में कि आप सोचो कि यार वो टू, थ्री, फोर का एल्शियम मैं ऐसे निकाल लूंगी नॉट पॉसिबल टाइम की शॉर्टेज है एक ऐसा नंबर ढूंढो वॉट इज एल्शियम होता है क्या है एक ऐसा नंबर जो टू थ्री फोर तीनों से डिवाइड हो जाए सीधा सा ये मेथड सीखना तो टू थ्री फोर से डिवाइड होने वाला कौन हो गया इसने छह सोचा छह हुआ नहीं तो ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व टू की टेबल में भी आता है थ्री में भी आता है फोर में भी आता है यहाँ पे आपका कैलकुलेटर भी काम नहीं आएगा कैलकुलेटर अलाउ हुआ लेकिन कैलकुलेटर काम नहीं आएगा ना इसमें ट्वेल्व तो खुद का दिमाग ही लगाना पड़ेगा ना अब ट्वेल्व लगा लिया आप कर लोगे क्या वन बाई को ट्वेल्व से करा कितना आया वन बाई टू इंटू हो गया वन बाई थ्री इंटू हो गया और ये थ्री आ गया कैन यू डिवाइड नाउ सिक्स फिफ्टी रुपीज इन द रेशो सिक्स फोर थ्री समझ में आई बात अब उस आंसर को चेक करना अच्छी अच्छी बात है वो बोला कुछ बोला बोला तो सीखा वो उसने क्या आंसर बताया था टू थ्री फोर बता दिया तो टू थ्री फोर कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाता है तो आज तक अगर हमारे मन में कहीं चल रहा हो कि यार टू थ्री फोर तो इट इज़ रॉन्ग फ्रैक्शन आ गए तो क्या करना है हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर ढूंढना है जहाँ से वो मल्टीप्लाई होके पूरा पूरा कैंसिल हो जाए एक और समझना अगर ये बात समझ में आई तो वन बाई थ्री वन बाई फोर वन बाई फाइव

ट्वेंटी फिफ्टीन और यही आ रहा है क्या सबका चेक कर लो किसी और का कोई दूसरा आंसर आ रहा तो बताओ जिसका नहीं आया एक बार करके देख लो कि क्या यही आता है क्या पीछे वाले आ रहा है क्या बच्चे नहीं आया तो पूछ लेना तो हमने क्या करा ऐसा नंबर जो थ्री फोर और फाइव तीनों से कट जाए अच्छी बात क्या है थ्री फोर फाइव तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना तो इसका एल्शियम क्या हो गया तो और आसान हो गया फाइव फोर जा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जा मैं फिर रिपीट कर दूँ वो हो सकता है आप आदत आ जाते एल्शियम लेने की लाइन लगा के हो बट कोशिश करना आज वो आदत है तो धीरे धीरे उसको सुधारना हमें वो चीज़ें नहीं करनी अब जो टेंथ क्लास में पढ़ के आए दिमाग लगाना है तो सिक्सटी से इसको क्या करा हमने इंटू कर दिया तो जब सिक्सटी से इसको इंटू करा इंटू कर लोगे क्या भाई वन बाई थ्री को सिक्सटी से इंटू कर लोगे क्या करके बताऊँ कर लोगे ना वन बाई थ्री इंटू सिक्सटी थ्री इंटू ट्वेंटी तो क्या हो गया हमारे पास ट्वेंटी फिफ्टीन और ट्वेल्व ये रेशो आ गया हमारे पास बात समझ में आई तो सीखा क्या हमने कि अगर कहीं रेशो फ्रैक्शन में दे रखा हो तो हम कोशिश क्या करते हैं एक ऐसा नंबर ढूंढने की जिससे उस रेशो को मल्टीप्लाई करें तो वो फ्रैक्शंस रिमूव हो जाएं बात समझ में आ गई चलो एक और करके देखें टू अपॉन थ्री थ्री अपॉन फाइव जल्दी से आंसर बताना बहुत छोटा सा ही है जल्दी बताओ कितना हो गया बहुत सिंपल है टू अपॉन थ्री एस टू थ्री एस टू फाइव थ्री अपॉन फाइव फाइव टू थ्री हो गया पक्का मैंने चेक नहीं करा अभी फाइव एस टू थ्री आ रहा है क्या हाँ? मुझे मैंने चेक नहीं करा आपने बोला फाइव इज टू क्या बोला था फाइव इज टू थ्री बोला था ना पहला आंसर तुम्हारा फाइव इज टू थ्री था मना नहीं कर सकते बोला था फाइव इज टू थ्री बोला गया था क्या वो ठीक था क्या नहीं पक्का अब सेकंड आंसर बोलो क्या होगा टेन इज फाइव इज थ्री में क्या गलती हो गई थी तुमने ध्यान ही नहीं दिया तुमने सोचा वो -e लिखा हुआ है कर दो तो पंद्रह से मल्टीप्लाई थ्री तो हो गया तुमने करा तुमको मालूम है कि तुमने क्या किया यू नो बेटर फाइव इज थ्री कैसा है खैर अब बात समझ में आई ना वॉट वी डू वी मल्टीप्लाई दिस बाई फिफ्टीन और जब हम टू बाई थ्री को फिफ्टीन से इंटू करेंगे तो टू बाई थ्री इंटू फिफ्टीन थ्री बाई फाइव इंटू फिफ्टीन अब तो कर लोगे तो ये फाइव टू जा टेन फाइव से गया थ्री टेन इज टू नाइन तो वो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में क्वेश्चन समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा सा यार ए और बी का रेशियो ये है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखो या सिंप्लीफाइड नहीं कहे के वो क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है उस पॉइंट को फिर समझना कि वो ये कहेगा कि हमने क्या करा थ्री एट्टी रुपीज को क्वेश्चन समझना सीधा सीधा वॉट इज द क्वेश्चन जो पूछा जाएगा डिवाइड थ्री एट्टी रुपीज बिटवीन ए एंड बी जहां पे हमें ए और बी का जो रेशियो है वो टू एस टू थ्री और थ्री एस टू मेरी बात समझ में आई क्या वो गहराई में जाके समझने की कोशिश करना कि हम चाह क्या रहे वॉट वी वॉन्ट हमें रेशियो कह दिया गया टू अपॉन थ्री टू थ्री टू फाइव रुपया कितना दिया गया थ्री एटी रुपीज अब थ्री एटी रुपीज को इस रेशो में डिवाइड करना है तो कहीं ना कहीं वो रेशो सिंप्लीफाइड तो होना चाहिए ना अरे सिंप्लीफाइड होगा जब भी तो कर पाओगे अभी कैसे करोगे इसको तकलीफ होगी ना फ्रैक्शन में ऐड करोगे फ्रैक्शन में डिवाइड करोगे फिर फ्रैक्शन में भी ऐड करोगे तो फिर एल्शियम लेना पड़ेगा तकलीफ तो रहेगी तो हमने सीख क्या रहे हैं हाउ टू सिंप्लीफाई दिस रेशो और जब ये रेशो हमारा सिंप्लीफाई होके टेन इंस टू नाइन हो गया तो डेफिनेटली टेन नाइन में डिवाइड कर लोगे थ्री एटी को हाँ या ना दो लोगों ने ही बोला तो सब बोलोगे तो पता पड़ेगा ना कि सबको आ गया वेरी गुड अच्छा थ्री एट्टी की जगह क्वेश्चन क्या होता है क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है रेशो में वो कहेगा इन ए क्लास देयर आर थ्री एट्टी स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझना लैंग्वेज कैसे चेंज होती है इन योर क्लास देयर आर थ्री स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स समझ गए अब आगे की कहानी बताऊं समझ में आ गई बात 380 एट्टी स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स एज टू अपॉन थ्री इज टू थ्री एज टू फाइव फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज निकाल लोगे क्या नंबर ऑफ मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखा जाए वो हम सीख गए तो कभी भी रेशो फ्रैक्शन में आ जाए हम उसको सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन हटा सकते हैं ये पॉइंट हमने सीखने की कोशिश करी बात समझ में आई चलो अगर कहीं हमें टू ए इज इक्वल टू थ्री बी दे रखा है वापस क्वेश्चन सुनना और वो ये कहता है सिक्स हंड्रेड रुपीज को डिवाइड करो सुनो पहले आराम से सुन लो कोई जल्दी नहीं है वॉट इज आवर क्वेश्चन डिवाइड बिटवीन ए एंड बी सच ऑफ मनी इज इक्वल टू फोर टाइम ऑफ भावनास मनी अभी हम लिखने पे नहीं जा रहे लिख लेंगे बाद में आराम से बहुत टाइम है जब शीट मिलेगी तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे होंगे केवल समराइज फॉर्म में मैंने क्या बोल दिया अनीता भावना को छोड़ो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या हो गया सिक्स हंड्रेड रुपीस ए और बी में डिवाइड करना है कैसे डिवाइड करना है कि ट्वाइस ऑफ ए समझ में आता है ना टू ए का मतलब क्या हुआ ट्वाइस ऑफ ए का मतलब क्या हुआ थ्राइस ऑफ बी ये अनिता इसका दुगुना और इसका तीन गुना हिंदी बोली मैंने अब क्या बोला इसका दुगुना और इसका तीन गुना आपस में बराबर हो सीए फाउंडेशन का पेपर हिंदी में होता है क्या होता है क्या मुझे नहीं पता होता है तो बताओ तुम्हें ज्यादा पता होगा हाँ या ना या कंफर्म नहीं है हाँ कंफर्म नहीं है कोई जवाब नहीं आना इसका मतलब तुम कंफर्म नहीं हो कि हिंदी में भी होता है क्या चलो हम उस पर नहीं जा रहे हिंदी इंग्लिश में हम सब इंग्लिश वाले हैं ना टेंशन नहीं फिर हिंदी का क्या सोचे क्वेश्चन क्या हो गया सिक्स हंड्रेड रुपीज को टू स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है कि ए का डबल और बी का थ्राइस इक्वल हो पहले तुम तुम्हारा आंसर निकालो फिर अपन अपना आंसर चेक करेंगे आराम आराम से करना कोई जल्दी नहीं है जो लैंग्वेज लिखना चाहें मैंने क्या बताया डिवाइड सिक्स हंड्रेड रुपीज बिटवीन अनिता एंड भावना सच दैट अनिता के रुपए का डबल सच डेट टाइस ऑफ अनिता मनी इज थ्री टाइम्स ऑफ भावना मनी लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो मुझे ए का अमाउंट बता दो और मुझे बी का अमाउंट बता दो आराम से कोई जल्दी नहीं अभी हम किसी शॉर्टकट पे नहीं जा रहे कोई जल्दबाजी में नहीं जा रहे द फर्स्ट थिंग हम सीख जाएं स्पीड तो बना लेंगे बाद में इश्यू नहीं है आगे आंसर कितना है चलो एक आंसर तो ये आया तो अब तुम अपने अपने आंसर और बताओ कि क्या आते हैं हमने उसका आंसर सुना ही नहीं है हम तो अपना आंसर निकालें हम्म 240 और 360 आ रहा है ना यही आ रहा है ना मुझे पता था तुम क्या करोगे ए का 240 आ रहा है क्या आया क्या और बी का 360 आ रहा है क्या हाँ या ना बोलो जल्दी आ रहा है तो हाँ नहीं आ तो नहीं या कोई और आ रहा है इसने कुछ और बोला था मैं उसके आंसर पे नहीं जा रहा अभी और करो तो करो एक बार और चलो हमने ये माना सुनो मेरी बात है ना कि माना ए का आंसर किसी ने 240 बोला बोला तुमने मेरी तरफ से नहीं लिख रहा यू से दट ए का अमाउंट टू फोर्टी बोला ना बोला था ना मैं वो लिख रहा हूँ ना और बी का अमाउंट कितना है ये बोला गया था ए का अमाउंट कितना हुआ 240 बी का कितना हुआ 360 मुझे क्या करना है ये चेक करना है अरे रिवर्स में तो चेक कर सकते हो ना भाई जब एक को टू फोर्टी रुपीज़ दे दिए मान ले तेरे को टू फोर्टी रुपीज़ दे दिए और इसको कितना दे दिया थ्री सिक्सटी दे दिया थोड़ी देर के लिए सपोज करना इसको टू फोर्टी दिया इसको कितना दिया थ्री सिक्सटी रुपीज़ दिए तुम्हारा डबल कितना हुआ जल्दी बता तेरे को कितने मिले टू फोर्टी मिले ना तुम्हारा डबल कितना हुआ फोर एट्टी हुआ ना इसको कितने मिले इसका थ्री टाइम कितना हुआ वन जीरो अब वो समझने की कोशिश करना देखो पहली क्लास है ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इसको टू फोर्टी मिला और इसको थ्री सिक्सटी मिला क्या इसका डबल तुम नहीं करा सॉल्व इसका डबल कितना हुआ फोर एट्टी इसका थ्री टाइम कितना हुआ वन जीरो क्या ये दोनों बराबर हुए क्या हाँ या ना नहीं हुए ना अच्छा नहीं हुए तो क्या हुआ गड़बड़ हो गई ना भाई आपने आपका जो आंसर निकाला इसको क्रॉस चेक कराना समझ में आई बात पीछे वालों का भी यही आ रहा है कुछ और आया था टू फोर्टी आया था एक बार ठीक है तो गड़बड़ हुई ना इक्वल नहीं आया इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई क्रॉस चेक कर लिया फिर इसने बोला अभी हम उस मेथड पे नहीं जा रहे वी आर नॉट गोइंग टू डेथ मेथड की करेंगे क्या वॉट वी आर डूइंग हम ये चेक कर रहे हैं बोल 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 हाँ, हाँ हाँ, हाँ, वेरी गुड हाँ, कुछ कुछ ठीक बोल है बच्चा तो रेशियो क्या हुआ मुझे फाइनल कंफर्मेशन दे कि ए और बी का रेशियो क्या आया 360 और 240 आ रहा है बस कंक्लूजन सही होना चाहिए है ना कि यार हम जो लास्ट पहुंचे वो ठीक बोला चलो अब इसको चेक करें हमारा ए आया 360 और बी हुआ 240 अब मेरी बात समझना ये पहला ऑप्शन ये दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन और होगा चौथा ऑप्शन और होगा अभी हम मेथड पे फिर नहीं गए अगली क्लास में बात करेंगे मेथड पे लेकिन मुझे ये कंफर्मेशन मिल गई कि यार ये तो रॉन्ग है भाई ये तो कंफर्म हो गया ना ये तो समझ में आया कि यार 240 और 360 तो रॉन्ग हो गया अच्छा एक बार इसको चेक करना लेटर्स चेक दिस 360 और 240 को चेक करो ए का अमाउंट 360 और बी का अमाउंट 240, चेक कैसे करोगे ए के अमाउंट का थ्री टाइम करो ये बोला था ना उसने और बी के अमाउंट का डबल करो बराबर होता है क्या पहले खुद चेक करो नहीं चेक करवाओगे तो मैं कराऊंगा इतना मल्टीप्लाई कर लोगे ना आ रहा है क्या फिर भी जो लोग नहीं कर पाए 360 है तो 360 को क्या करेंगे क्योंकि ये ए हुआ ए का डबल ये बोला था ना ए का डबल तो 360 को किससे मल्टीप्लाई करा टू से 720 आता आता ना मल्टीप्लीकेशन वेरी गुड बी का कितना है 240 इसको किससे इंटू करोगे थ्री से तो क्या हो गया इक्वल आ गए ना मुझे मेथड नहीं आता मेथड सीखेंगे अगली क्लास में समझ में आई बात लेकिन हमने अभी क्या सीखा कि सपोज ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है और ये भी ऑप्शन दो ही ऑप्शन है मान लो तीसरा चौथा तो लिखा ही नहीं लेकिन उन दो ऑप्शन में से मैंने पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया ना क्यों एलिमिनेट हो गया अरे उसका डबल उसका थ्री टाइम बराबर ही नहीं हुआ ना उसका डबल टू एट्टी आ रहा था शायद टू फोर्टी था तो फोर एट्टी आ रहा था उसका डबल और उसका वन जीरो एट जीरो आ रहा था तो ये तो इक्वल नहीं होता मालूम है हमें हमने सेकंड ऑप्शन को चेक करा तो सेकंड ऑप्शन में इसका ट्वाइस और इसका थ्राइस इक्वल आ गया ना आ गया ना तो कंफर्मेशन मिल गई हमें बात समझ में आई बाकी जो रेशो हम निकालेंगे अगर उस मेथड पे बहुत शॉर्ट में जाना चाहो इनिशियली कि अगर हमें टू ए इक्वल टू थ्री भी दे रखा है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ए और बी का रेशियो टू अपॉन थ्री हो गया और मुझे ये चेक करना है मेरी बात सुनने की कोशिश करना समझना इस टॉपिक पे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे लेकिन इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ए अपॉन बी का रेशियो उसने जो चीज बोली थी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐसा करेंगे कुछ बोल रहा था वो बच्चा ऐसे ही कुछ कह रहा था वो तो ए अपॉन बी अगर मैं मन में टू अपॉन थ्री है क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई यूं 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 करते हैं पता है ना तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा अरे भाई किसी के मन में ये चल रहा है कि ए अपॉन बी का रेशियो टू अपॉन थ्री होगा चल रहा है तो चलने दो अरे क्रॉस चेक तो कर सकते हो बाद में कि मैंने सही करा कि गलत करा ये तो चेक कर सकते हैं गलती भी होगी तो सुधार सकते हो ना तो अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना मिला थ्री है इक्वल टू टू भी मिल गया इसका मतलब हमने गलत करा बात समझ में आई तो अब रेशियो कितना होगा अब दूसरे के मन में क्या चल रहा है ए अपॉन बी थ्री अपॉन टू है हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो वापस टू इक्वल टू थ्री भी हुआ क्या अरे इसको चेक करके देखो क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आता है इसको इससे मल्टीप्लाई करा इसको तो कितना मिला टू इक्वल टू इटमे समझे क्या समझ में आया कि जो ए और बी का रेशियो होगा अगर मुझे कहीं पे भी ये दो दे रखे तो टू टू थ्री नहीं होगा कितना होगा मेथड पे अगली क्लास में जाएंगे अभी मेथड पे नहीं गए कि क्या होगा क्योंकि अगली क्लास क्या होगा टू एक्वल टू थ्री भीवल टू फोर सी भी आएगा फोर सी आ गया तो डी भी आएगा तो कहीं ना कहीं तो मैथड ढूंढना पड़ेगा ना हम ऐसे बात तो हमेशा नहीं कर सकते लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन जिनकी ये बात समझ में आ गई जल्दी से आंसर देना बस कि अगर मुझे कहीं पे फाइव एक्वल टू सेवन भी दे रखा हो बहुत फास्ट तो ए और बी का रेशियो क्या होगा वेरी गुड समझ में आया इतना तो समझ में आया कि यार वो फाइव इंस टू सेवन नहीं होगा अगर दो ही रेशो दे रखे तो क्या करूंगा मैं उल्टा कर दूंगा फिर कोई पूछे उल्टा क्यों करा मुझे तो समझा तो भाई ले समझ ले तो कह रहा है ना ये अगर कोई बहस करेगा ना तुमसे वो बहस क्या करेगा नहीं नहीं ए अपू सेवन ही होता है तो ले भाई तो मुझे समझा तो बोल क्या लिखेगा ए अपॉउंड भी फाइव इंस टू सेवन लिखेगा फिर उसको क्या कहोगे कर तो क्रॉस मल्टीप्लाई हार मान लेगा ना वो नहीं यार ये तो आया ही नहीं इसका मतलब क्या था वो गलत था बात समझ में आई एक और बता दो चलो इलेवन ए इज इक्वल टू फोर्टीन बी फोर्टीन इज टू बात समझ में आती है बट हम इसको कंटिन्यू करेंगे ठीक है कोई डाउट कुछ पूछना हो समझ में आया थोड़ा थोड़ा हमारी स्पीड जो रहेगी स्लो रहेगी हम आराम आराम से करेंगे ये ध्यान रखना कहीं भी कोई डाउट होता है जो आज मैंने पढ़ाया लगता है मैं कुछ कम समझ में आया अभी असाइनमेंट कुछ नहीं है घर जाके कुछ नहीं करना जिनके पास पुरानी बुक रखी है नई बुक रखी है कुछ भी नहीं करना जब तक मैं नहीं कहूँ आप उस बुक में से कुछ भी नहीं करोगे अननेसेसरी अभी हमें नहीं करनी चाहिए ठीक है जब मैं कह दूँ कि आज आपको बुक खोल के इसमें से रेशो पढ़ना है उस दिन से हम रेशो के ऑब्जेक्टिव वहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देंगे कई लोगों को होता है ना बहुत पढ़ाकू होते हैं और जो रेशो पढ़ाए मैं तो घर जाके वो कोई पुरानी किताब पढ़ी रेशो सॉल्व करके देखते नहीं करना जब तक हाँ ये है पढ़ाकू ये है हाँ तो नहीं करना अभी ये काम नहीं करना कब करना है जब मैं कह दूं क्योंकि रेशो कंप्लीट नहीं हुआ वॉट विल हैपन आप घर जाओगे रेशो सॉल्व करोगे और हो सकता है कोई आप लंबे लंबे मेथड से सॉल्व भी कर लो खुश भी हो जाओ तो वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा तो जब आपको बोला जाए कि अब आपको बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है फ्रॉम दैट डे यू विल स्टार्ट दैट बुक अभी नहीं करना समझ गए आज जाके कुछ नहीं करना एग्जाम ख़त्म हुए एंजॉय करो घूमो फिरो समझ गए अभी तो एग्जाम थर्टी फर्स्ट को तो खत्म हुआ तुम्हारे शायद हाँ तो अभी तो एंजॉय करो थोड़ा बहुत हल्का हल्का पढ़ते रहो ठीक है चलो ओके